Can you identify the parts of speech in the following sentences? क्या आप इन सभी sentences में जो words हैं उनके parts of speech को identify कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? कोई बात नहीं, आज हम यही सीखने वाले हैं कि कौन सा word, कौन सा part of speech है. Hello friends, welcome to my new video once again. Let's start learning. चलिए, पहला सेंटेंस है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है. अब देखिए यहाँ लव क्या है, यह एक नाउन है, प्यार. नाउन में भी कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब. ब्लाइंड क्या है, अंधा. कैसा का जो जवाब दे वह एडजेक्टिव होता है, कैसा, तो अंधा एडजेक्टिव. यह हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह हुआ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. आगे चलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. इसमें व्हाट क्या है, यह है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. प्रश्न पूछने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. आगे देखिए, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स. आपको हेल्पिंग वर्ब हमने पिछले वीडियोस में 24 हेल्पिंग वर्ब्स बताया है, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट. ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स. चलिए, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. यू क्या है, यह हो गया प्रोनाउन. प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन, थ्री पर्सन्स के बारे में जो बताता है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन्स. तो यू है सेकेंड पर्सन. डूइंग क्या हुआ, यह वी है वर्ब, यह हुआ मेन वर्ब. डूइंग, रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग. चलिए आगे चलते हैं, अब है शट द डोर प्लीज, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें. शट बंद करना, यह भी हो गया मेन वर्ब. द क्या हुआ, यह है आर्टिकल. आर्टिकल में भी डेफिनिट आर्टिकल, ठीक, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल और द डेफिनिट आर्टिकल. अब डोर क्या है, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, द नेम ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड नाउन. यह क्या हुआ, नाउन. नाउन में भी है यह कॉमन नाउन, कॉमन नाउन. चलिए, प्लीज क्या है, प्लीज मीन्स कृपया या कृपा करके, काइंडली का भी वही मतलब होता है. पूरे सेंटेंस को जब मॉडिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं. तो प्लीज और काइंडली ये सब क्या हैं, एडवर्ब्स हैं. आगे चलते हैं, सी इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. शी क्या है, ही, शी, इट, ये सभी हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन थ्री पर्सन्स के बारे में बताते हैं, ये है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, पर्सनल प्रोनाउन. इज क्या है, इज फिर हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब. अब है वेरी वेरी ब्यूटिफुल, पहले ब्यूटिफुल कैसा या कैसी, तो सुंदर, तो यह हो गया एडजेक्टिव. कैसा या कैसी का जवाब देता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. एडजेक्टिव है, अब इसमें भी जाएंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसका टाइप में जाएंगे. आगे चलते हैं, एडजेक्टिव को जो फिर मॉडिफाई करे तो उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब.
एडवर्ब हो गया यह। और फिर वेरी के बारे में फिर एक वेरी बता रहा है, तो यह भी हो गया एडवर्ब। जो एडवर्ब की विशेषता बतलाए उन्हें भी एडवर्ब ही कहते हैं। ठीक, चलते आगे। राहुल एंड रवि आर फ्रेंड्स। राहुल एंड रवि आर फ्रेंड्स। राहुल क्या है? नाम। यह हो गया नाउन। उसमें भी कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। एंड क्या हुआ? जोड़ने का जब काम करता है राहुल एंड रवि, दो चीज़ों को जोड़ने का जो काम करता है, कंजंक्ट करने का जो काम करे, उनको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन। रवि भी हो गया प्रॉपर नाउन। आर क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब्स। फ्रेंड्स कॉमन नाउन, ये भी नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। आगे चलते हैं। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। सुंदरता देखने की चीज है, छूने की नहीं। आगे देखते हैं। ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सुंदरता। अब ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ब्यूटी, ब्यूटीफुल सुंदर, तो एडजेक्टिव। अब ब्यूटी सुंदरता या सौंदर्य, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर इज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। टू सी यह हो गया वर्ब में इन्फिनिटिव। वर्ब के पहले जब टू लग जाता है तो उसे हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक, यह भी वही है। टू हालांकि प्रेपोजिशन है और वर्ब के बगल में आकर के इसे इन्फिनिटिव बना दिया। आगे नॉट क्या है? नॉट, नॉट है एडवर्ब। नो है एडजेक्टिव है, नॉट है एडवर्ब, क्योंकि यह वर्ब के अगल बगल रहता है। ठीक, चलिए। अलास ही इज डेड। हाय, बेचारा मर गया। अलास, ये क्या हुआ? एकाएक जब फीलिंग निकलता है हमारा, आश्चर्य का, डर का, खुशी का, ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे आउच, या बोलते हैं ओ शिट, या बोलते हैं ओ नो। ठीक, या बोलते हैं वाव। ये सभी क्या हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है ये सभी। ही क्या हुआ? ही हो गया फिर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। और इज हेल्पिंग वर्ब। डेड, डेड हुआ मरा हुआ, एडजेक्टिव। डेड बॉडी, बॉडी नाउन, और डेड एडजेक्टिव, तो मरा हुआ व्यक्ति या मृत व्यक्ति। कैसा? तो मृत, तो डेड हो गया एडजेक्टिव। वैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, तब उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, आगे। द कैट इज अंडर द टेबल। द क्या है? ये हो गया आर्टिकल। ठीक, कैट क्या हो गया? ये नाउन हो गया, कॉमन नाउन। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अंडर, अंडर हो गया प्रेपोजिशन। द फिर क्या हुआ? आर्टिकल लिखा हुआ ही है। टेबल हो गया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। इस हिसाब से आपने देखा कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। ठीक, इसी तरह के वीडियोज हम लाते रहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, स्पोकन प्रैक्टिस से रिलेटेड, प्रोनंसिएशन से रिलेटेड। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye.